प्रदेश की योगी सरकार ओवरलोड वाहनों पर लगाम कसने के चाहे लाख दावे कर ले, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। ताजा मामला जनपद शामली का है, जहां पर रॉन्ग साइड से आ रहे ओवरलोड ट्रक ने बाइक सवार को कुचल दिया। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के मेरठ करनाल हाईवे पर जिंजाना थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ चौकी के पास का है, जहां पर रॉन्ग साइड से आ रहे ओवरलोड ट्रक ने एक बाइक सवार को कुचल दिया, जिसके बाद युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को मेरठ करनाल हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया और वाहनों में तोड़फोड़ भी की। मृतक के परिजनों ने घटना करने वाले ट्रक में तोड़फोड़ की और अन्य वाहनों के भी पहियों की हवा निकाल दी। मृतक के परिजनों का कहना है कि अहमदगढ़ चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी ओवरलोडेड ट्रकों से पैसे लेकर उन्हें रॉन्ग साइड से निकालते हैं, जिस कारण यहां पर आए दिन कोई न कोई हादसा होता रहता है। हादसे में युवक की मौत और तोड़फोड़ की सूचना मिलते ही पुलिस विभाग के तमाम आला अधिकारी आनन-फानन में मौके पर पहुंचे और किसी तरह से मृतक के परिजनों को समझा बुझा कर शांत किया। साथ ही SDM कराना ने आश्वासन दिया है कि एक सप्ताह ओवरलोडेड वाहनों के खिलाफ अभियान चला जाएगा और इस प्रकार के सभी वाहनों को सीज किया जाएगा। सर, मेरा नाम प्रकट सिंह है। क्या मामला है, कैसे हुआ? मामला सर ऐसा है कि जी अपनी साइड पर खड़े हुए थे ये सरदार देसा सिंह जी, अपनी साइड से नीचे खड़े हुए थे, यहाँ बाइक लेकर अपनी ये इधर से रॉन्ग साइड से गाड़ी आई और इनके ऊपर इनको कुचलते हुए निकल चली गई वो, और उसके बाद में अपना पुलिस वाला है और उसको बिठा कर ड्राइवर को लेकर चले गए, और ताकि उससे पहले पुलिस तैनात थी चौकी के अंदर, और मौके के बाद में मौके पर पुलिस नहीं थी। फिर वहाँ पे मौके पर जाने के बाद में पुलिस वहाँ पे थी नहीं, और मेन मामला ये है कि ये गाड़ियाँ रॉन्ग साइड चलती हैं, और रॉन्ग साइड किस लिए चलती हैं, क्योंकि जो 100-100 रुपये लेकर पुलिस वाले रॉन्ग गाड़ियाँ चलाते हैं यहाँ से, अगर पीछे से गाड़ी अपनी साइड में आ रही है तो उसको भी पैसे लेकर 100 रुपये लेकर रॉन्ग साइड कर देते हैं ये, ताकि ये होना चाहिए। गाड़ी अगर सड़क चाहे टूटी है या फूटी है, ड्राइवर को अपनी ही साइड पर चलना चाहिए, चाहे साइड उसकी ओवर साइड है चाहे कोई भी साइड है, उसको अपनी साइड पर ही चलना चाहिए। और ये सारा मामला पुलिस वालों का है, पुलिस चौकी वालों का है ये, और पुलिस चौकी वालों से पहले भी दरखास्त दे चुके हैं, पर कोई इस बात पे वो नहीं करता है, और ना ही कोई 100 नंबर वाला कोई इस बात पे इंटरेस्ट लेता है, और ना ही कोई पुलिस वाला लेता है। ऐसा बोलते थे, हाँ भाई हो जाएगा, सब मामला सही हो जाएगा, और रॉन्ग नंबर ही गाड़ियाँ निकालते हैं सब ये। सर, जो एक्सीडेंट हुआ, क्या पूरा मामला है? जनपद शामली के झिंझाना थाना क्षेत्र के अहमदगढ़ चौकी के आगे ट्रक कट से रॉन्ग साइड में जब जा रही थी, तभी सड़क के किनारे एक व्यक्ति को चोट पहुंची और ऑन द स्पॉट उनकी मृत्यु हो गई। ट्रक और ट्रक चालक पकड़ लिया गया है, अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। सर, जाम माम तोड़ फोड़ भी बताई गई है? नहीं, ग्रामवासियों ने वहाँ पे इसलिए जाम लगाया था कि ये जो अवैध कट बने हुए हैं इनको बंद किया जाए। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को पत्राचार किया जा रहा है।